आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पानी का पारा कैसे बनाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे सामने एक पानी का पारा और रेडी बना हुआ है। इस तरह का पानी का पारा बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या इसमें लगता है और आप क्या भाई क्या क्या पारा बनाना चाहते हैं, इसमें नोजल आप कितनी दूरी पर नोजल लगा सकते हैं, पाइप की मोटाई क्या होगी और इसमें मोटर कौन सी यूज की जाएगी, आप फुल डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम किशन और आज मैं आपके लिए फाउंटेन और फाउंडेशन के बारे में फुल जानकारी लेके आया हूँ कि आप किस तरह से अपने यहाँ पर फाउंटेन बनवा सकते हो और बना सकते हो। पहले भी मैंने कई वीडियो डाली थी जो ब्याह शादी बर्थडे पार्टी मैरिज होम में जो फाउंटेन लगता है, उस तरह की वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। काफ़ी लोगों के कॉल्स मेरे पास आते थे और आज उन्हीं कॉल्स की मैं पूरी सटीक जानकारी इस वीडियो में देना चाहता हूं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, यहां एक राउंडिंग 8x8 की राउंडिंग है और इसके पूरे बेस फाउंडेशन की बात करी जाती है, यह 12x12 का फाउंडेशन है जिसमें हमने 4-4 इंची पर एक एक नोजल फिट किया है। यह नोजल आपको अमेजोन पर मिल जाएंगी, जो ऑनलाइन परचेज आप कर सकते हो। आप अपने तरीके से नोजल खरीद सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो इसमें स्टील की नोजल लगे हुए हैं और स्टील का पाइप है। पाइप का साइज आपका 3 इंची का साइज है। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य काफ़ी कॉलों का था कि भाई आप फाउंटेन के बारे में हमें और भी जानकारी दो, इसलिए मैं आपको फाउंटेन के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। बेसिकली मेरा काम डेकोरेशन का काम है। इस तरह की वीडियो भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि इसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्या होता है। और इसी टाइप से भी आप ब्याह शादी में जो फंक्शन होता है उसका फुहारा भी बना सकते हैं, जो आजकल ट्रेंडिंग में जो चल रहा है। सेकंड राउंडिंग जो इसकी है उस पर भी आप देख सकते हो किस तरह से लाइट एक फाउंटेन की दीवार में एक लगी हुई है, जो करीब करीब आपका 2-2 फुट की दूरी पे एक एक लाइट लगी हुई है। उसी लाइट से अटैच में यह एक पाइप और तार दोनों ही कनेक्शन जुड़े हुए हैं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ सटीक जानकारी कि जैसे हम फाउंटेन का अगर परमानेंट कोई फुहारा बनाते हैं तो उसके बीच में बीच सेंटर में आप देख सकते हो कि इस तरह से एक हॉल करके इसके अंदर ही मोटर रखी जाती है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा किस तरह से इसमें हॉल है एक बीच सेंटर में जिसमें मोटर रखी जाती है। मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, आप तो खुद देख सकते हो। आगे भी मैं आपको इसी तरह की सटीक जानकारी दूंगा, वीडियो में बने रहें। नोजल भी 2 प्रकार की होती हैं, आप देख सकते हो। इस तरह के फाउंटेन को बनाने के लिए हमें 3 mm मोटी छेद की नोजल का यूज़ करते हैं, जो कि ब्याह शादी फंक्शन पार्टी में जो फुहारा यूज होता है उसमें 2 mm छेद वाली नोजल का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप नोजल परचेस करना चाहते हैं तो सोच समझ के करें कि हम किस तरह का फुहारा बना रहे हैं। अगर ब्याह शादी पार्टी वगैरह के लिए फुहारा बना रहे हैं तो उसमें 2 mm का नोजल छेद वाला आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप परमानेंट के लिए अपना फाउंटेन बना रहे हैं तो उसके लिए आप 3 mm की नोजल ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर के लिए मैं आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगा, जिससे आप वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और पीतल की, स्टील की, लोहे की, जैसा भी आपको उचित लगे उस तरह के आप नोजल खरीद सकते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ इस तरह का फाउंटेन बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, आपको खुद ही दिखाई दे रहा होगा। इस पाइप की अगर मोटाई की बात करें तो इस पाइप की मोटाई 3 इंची का है। अगर हम ब्याह शादी फाउंटेन के लिए यूज़ करते हैं उस पाइप की मोटाई 1.5 इंची होनी चाहिए। इसे हम साधने के लिए गोल राउंडों को स्टैंड भी बनाए जाते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। यह स्टैंड इस पूरे राउंडों को साधने के लिए 4 या 5 आप बनवा सकते हैं, जो आसानी से यह पानी में टिका रहेगा। नोजल भी आपको 4 इंची पर लगाना है और आप देख सकते हो कि किस तरह से इसमें पाइपों का यूज हो रहा है। एक स्टैंड यहाँ, एक स्टैंड वहाँ, इस तरह के आप बना सकते हैं और बहुत ही आसान होता है बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद ही यह किसी भी मिस्त्री से बनवा सकते हैं। यह बाल है। अगर आप बीच सेंटर के फुहारे को चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते, उसके लिए एक मेन पॉइंट का बाल भी लगाया जाता है, जैसे कि पहले अभी मैंने आपको दिखाया था। जैसे कि आप देख रहे हो यह दीर्घ नचान रेड कलर का है, जो
एक ही राउंडिंग में आठवीं राउंडिंग में दोनों सिरे से एक ही पाइप का यूज हो रहा है, जैसे कि पानी ऊपर से इधर से भी और इधर से दोनों साइडों से इसके अंदर जा सके। उसके मेन पॉइंट पर एक नीचे मोटर में पाइप लगा हुआ है इस जगह पर, और दूसरा पाइप इसी प्रकार बाहर वाले घेरे में भी यूज हो रहा है। आपको मैं आगे दिखाता हूँ किस तरह से यह यूज हो रहा है। जो सेकंड वाला पाइप है वो भी बड़ी वाली राउंडिंग के लिए भी इसमें बाल लगाए हुए हैं, जिस तरह से आप बाहर वाले ना चला के अंदर वाले भी चला सकते हैं। उसमें लाइटिंग का भी प्रयोग बहुत ही अजीब किया गया है, इस तरह से आप लाइट लगा सकते हैं या लाइट एक कील की सहायता से चारों तरफ पाइप के जस्ट नीचे की साइड लग रहा है, जैसे कि पानी का फुहारा जैसे ही चले तो लाइटिंग के साथ बहुत ही अच्छा सुंदर इस तरह की लाइट लगवाना बहुत ही अच्छा रहता है। आप भी फाउंटेन बनाओगे तो इस तरह की लाइट लगवा सकते हैं। यह लाइट अमेज़ॉन से आप परचेस कर सकते हैं। हर लाइट की क्वालिटी और लाइट की कंपनी का फ़र्क है कि कौन सी लाइट महंगी भी आती हैं, सस्ती भी आती हैं। अगर आप उचित रेट में लाइट लेना चाहते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से फारे के लिए अपनी लाइट परचेस कर सकते हो। कोई भी चीज़ बनाने के लिए आप अच्छी क्वालिटी का ही यूज करें, जिससे कि लंबी सालों तक ही चले। आप इस पाइप को देख रहे हो सेम यही पाइप, इसमें नीचे आप घेरे में नोजल वाले में लगा हुआ है जो आपको रेलिंग में नज़र आ रहा है। इस तरह का पाइप की स्टील की आप राउंडिंग बनवा के और फाउंटेन बनवा सकते। अगर आप होटल मैरिज होम में अपना निजी एक फाउंटेन बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फाउंटेन सन बनवाना पड़ेगा। जो फाउंडेशन होगा उसी के हिसाब से यह राउंडिंग आपको बनवाना पड़ेगा, जैसे कि आपको यह छोटा बड़ा ना हो जाए, वही नाप आपको यहाँ से ले जाना पड़ेगा। उसी हिसाब से आपको यह नोजल वगैरह और राउंडिंग वगैरह करवाना पड़ेगा। इसका भी एक अलग ही मिस्त्री होता है जो आपके आसपास हो, उसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको अच्छी जानकारी मिले और वो आसानी से आपका यह काम कर सके। मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है और मुझे आशा है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा इस वीडियो के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएँ, और भी किसी भी तरह की जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस तरह का फाउंटेन बनाने के लिए आप अच्छे सामान का यूज़ करें जो सालों साल तक चले, और मेरा कहने का मतलब है स्टील का ही यूज़ करें जो बहुत ही अच्छा रहता है। स्टील पानी में भी ठीक ठाक रहती है, कोई दिक्कत नहीं रहती, कोई भी कैसे भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। फाउंटेन बनवाते वक्त अच्छे ही मिस्त्री से सलाह लें जो आपका नज़दीकी हो और आपको अच्छे से ही यह फाउंटेन बना सके। इस तरह का फाउंटेन बनाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों का यूज करें। आप इस भी सेंटर में एक मूर्ति भी रख सकते हैं जो बहुत ही सुंदर आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है, आप रख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो लाइटिंग भी इसमें वायर भी बिछा हुआ है, लाइटिंग भी लगी हुई है। यह वाल है जो मेन पॉइंट है पानी का छोड़ते हैं, जिसमें आप बहुत ही सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको बारीकी से दिखाई हैं किस तरह से इसे फिट किया जाता है और लाइटिंग लगाई जाती है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें बताएं कमेंट में। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल पर बने रहें, और आपने मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भी मैं आपके लिए ऐसी जानकारी लेके आता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सभी फुहारों का कार्य अपना अपना अलग अलग होता है। यह फुहारा आपको परमानेंट बना सकते हैं। ब्याह शादी के लिए भी सेम ऐसा ही फुहारा यूज़ किया जाता है, पर उसमें कुछ अलग ही तरह से हम बनाते हैं। जो सिंगल होता है इसमें बहुत ही सामान का यूज होता है, बट जो ब्याह शादी में परमानेंट नहीं लग के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं उसे लगाते हैं, तो उसमें कम सामान का यूज होता है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गया होगा कि हमें किस तरह से फाउंटेन बनवाना चाहिए और किससे बनवाना चाहिए। मिस्त्री भी आपको अच्छा ही लेना चाहिए, मिस्त्री फाउंटेन बनाने वाला ही होना चाहिए जिससे फुल डिटेल में जानकारी हो और आपके काम को अच्छे से वो कर सके, निभा सके। आशा करता हूँ फिर मिलेंगे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। विदा लेते हैं, बाय, धन्यवाद, थैंक यू।